बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। आपको बता दें कि शिवहर में एक पार्टी के प्रत्याशी की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्या की यह घटना अत्यंत निंदनीय है। लगे हाथों तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, वो केवल उबाऊ और पकाऊ भाषण दे रहे हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तेजस्वी ने कहा कि हम समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते रहे हैं, ऐसे में इस मामले में अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बता दें कि प्रत्याशियों को सुरक्षा बल मिलता है, लेकिन मारे गए प्रत्याशी को सुरक्षा मिली थी या नहीं इसकी जानकारी मिली नहीं है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो बिहार के बजट का 22% शिक्षा पर खर्च करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षा को लेकर लोग लालू जी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लालू जी ने ही बिहार को 7 विश्वविद्यालय दिए हैं। लोग अब नीतीश कुमार से नफरत करने लगे हैं। हम लोगों ने जो विकल्प दिया है उससे लोगों में आशा जगने लगी है। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि अब तो मिसाइल का जमाना है, ऐसे में तीर कहां टिकने वाली है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।